हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, हिंदी वर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप पेड़ काटने के लिए ऑनलाइन परमिशन कैसे लेते हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई फलदार पेड़ या बिना फलदार पेड़ काटना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य है। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं और पेड़ काटते हैं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है और साथ में आप जेल भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका परमिशन हम कैसे लेते हैं, उसके लिए आवेदन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो उसकी पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कर देखते रहिए। चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पेड़ काटने की परमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा उत्तर प्रदेश वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, आप उत्तर प्रदेश के अलावा और किसी राज्य से आते हैं तो आपको अपने राज्य की वन विभाग की वेबसाइट पे जाना होगा। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको यूपी के बारे में, यूपी जो आपको आवेदन करना है पेड़ काटने के लिए, तो यहाँ पे मैं प्रोसीजर बताने वाला हूँ। अगर फ्रेंड्स आप इसके अलावा किसी और राज्य से आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसके ऊपर भी एक और नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो आने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से ये जो है कुछ ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है कि पेड़ को काटने के लिए आवेदन करें, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आप पेड़ कटे हुए पेड़ को कहीं पे ले जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरा आवेदन करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे काटने के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, सबसे ऊपर है डैशबोर्ड हेतु, यहाँ क्लिक करें, नया आवेदन हेतु क्लिक करें, और पातन शुल्क जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें। उसके बाद देखें यहाँ पे आवेदन की मौजूदा स्थिति की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, और जारी किया हुआ पातन अनुज्ञा पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, और पातन शुल्क जमा करने की सहायता प्रोफाइल देखने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले इसका स्टेप होता है, सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद आपको यहाँ पे इसका शुल्क जमा करना होता है। 100 रुपए पेड़ के हिसाब से यहाँ पे शुल्क जमा होता है। फ्रेंड, जैसे आप शुल्क जमा कर देते हैं तो आपका आवेदन वेरिफिकेशन में जाता है, और वेरिफिकेशन होने के बाद जो है आप यहाँ पे अनुज्ञा पत्र डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप उस पेड़ को काट सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं आवेदन कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे नया आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पे क्लिक करना होगा, या फिर फ्रेंड्स आप नया आवेदन करें पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये जो है आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस आवेदन फॉर्म में सबसे ऊपर ग्रामीण और शहरी चुनना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी चुनेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण चुनेंगे। उसके बाद फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो आवेदन कर रहा है उस आवेदक की इंफॉर्मेशन डालनी होगी। यहाँ पे आप आवेदक का नाम डालें, जिस जो भी नाम यहाँ पे आवेदक का है, यहाँ पे आप अंग्रेजी में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के पिता का या पति का नाम डालें। उसके बाद यहाँ पे जिला चुने, उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील चुननी होगी, तो जिला के बाद आप तहसील चुन लें। उसके बाद आपको परगना चुनना है, थाना चुनना है, डाकघर चुनना है, ग्राम सभा चुननी है, गांव का नाम चुनना है, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र, यहाँ पे आप क्या देना चाहते हैं आपको वो देना है। आप इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, और आपको यहाँ पे उस पहचान पत्र का जो संख्या है, जो नंबर है, वो डालना होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स सारी इन्फॉर्मेशन आवेदक की आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, और यहाँ पे देखिए आपको जो पेड़ काटना है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो पेड़ कहाँ है और कहाँ पे आप उस पेड़ को काटना चाहते हैं। तो फ्रेंड उसका पूरा एड्रेस भरना होगा, किस जिले के अंतर्गत वो आता है, उसकी तहसील क्या है, परगना क्या है, थाना क्या है, डाक क्या है, और उसका जो है यहाँ पे ग्राम सभा, प्लाट खसरा नंबर, उसके बाद क्षेत्रफल रकबा हेक्टेयर में, पिन कोड, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो जो वहाँ का जिला वन अधिकारी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप पेड़ खुद से काट रहे हैं या किसी से कटवा रहे हैं वो आपको यहाँ पे चुनना होगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपका एक गाटा संख्या होता है ये आपको खसरा या खतौनी के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नीचे आइए, तो नीचे आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे उस पेड़ की यहाँ पे जानकारी देनी है कि किस पेड़ को आप काटना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए उस पेड़ का नाम आएगा, उस पेड़ को आपको यहाँ पे चुनना है, और वृक्षों की कितनी संख्या यानी कितने पेड़ आप काटना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको भरना है,
और अगर उनका और कोई विवरण देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, और अगर ऐसे कई और पेड़ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप पेड़ को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखिए बताया गया है कि 100 रुपये पेड़ के हिसाब से आपको यहाँ पे देना होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप दो पेड़ को काटना चाहते हैं तो यहाँ पे दो चुनेंगे, ऐसी जानकारी यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि बताया गया है जब आप पेड़ काटते हैं तो आपको उसकी दुगुनी संख्या में आने वाले बारिश के मौसम में पेड़ लगाने होते हैं। तो वो पेड़ आप कहाँ पे लगाएंगे वो जानकारी आपको यहाँ पे देनी होती है, उसका जिला, तहसील, परगना, थाना, ग्राम सभा, गांव, घाटा संख्या, क्षेत्रफल, रकबा, वृक्षारोपण का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये आपको यहाँ पे देना होता है। फ्रेंड ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको इंटरनेट पर सर्च करने से मिल जाता है। तो फ्रेंड ये सब कुछ भरने के बाद आपको नीचे आना है और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया खसरा आपको यहाँ पे अपलोड करना है, खतौनी की नकल आपको अपलोड करनी है, आवेदक का फोटो अपलोड करना है, और जो वृक्ष की फोटो है तारीख के साथ वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फ्रेंड सब कुछ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्थान देना है, कैप्चा कोड भरना है, और यहाँ पे आपको सबमिट करने के ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही आप सारी जानकारी भर के सबमिट कर देते हैं तो आपका आवेदन भरा जाता है। अब आपको क्या करना है, आवेदन भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसका जो है आवेदन भरता हूं और प्रिंट आउट निकालता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स अब आपको यहां पे जो है इसकी शुल्क जमा करना होगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है पातन शुल्क जमा करने के लिए, यहां क्लिक करें, आपको इस पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पेज आएगा, आपको यहां पे आवेदन संख्या डालनी होगी जो कि आपको आवेदन करते टाइम मिली होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे सर्च करें पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपको यहाँ पे वो ओटीपी डालना है और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं और ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका आवेदन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको नीचे यहाँ पे जो है आवेदक का नाम डालना है अंग्रेजी में, और यहाँ पे आपको पातन शुल्क जमा करें के ऊपर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आप इसका जो है पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। अब फ्रेंड्स पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पे जो आपका अनुज्ञा पत्र है आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं कुछ समय के बाद। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप पेड़ काटने के लिए परमिशन ले सकते हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आप कहीं कटे हुए पेड़ को ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।